हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या गाइस. माय नेम इज़ निव्या भुवन और हम लोग आज वापस से आ चुके हैं हमारे मई मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करने के लिए. तो हम लोग फर्स्ट मई से स्टार्ट करने वाले हैं आज. और अगर आप पहली बार आए हो यहाँ पर तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं. सो आई एम अ वेरीफाइड एडुकेटर एट अन अकेडमी. अगर आप चाहो तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो. मेरी डेली क्लासेस की टाइमिंग ये है, फ्री क्लासेस होते हैं, स्पेशल क्लासेस, तो आप यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो एवरी डे. प्लस क्लासेज आर पेड क्लासेज गाइज, इसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा. तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड जो आज हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है महाराष्ट्र से. क्या न्यूज़ आई है महाराष्ट्र से, चलिए देख लेते हैं. महाराष्ट्र के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर राजेश टोपे, उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नर्सेज को अपॉइंट किया जाएगा. जिस तरीके से जानते हैं आप लोग, हर जगह हमारे पूरे कंट्री में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, तो इसीलिए ऑक्सीजन नर्सेज महाराष्ट्र में अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि ऑक्सीजन के वेस्टेज पर नजर रखेंगी, ऑक्सीजन को मेंटेन करेंगी वो लोग, एंड हर 2 से 4 घंटे में मॉनिटर करने वाली हैं उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है अभी स्टेट में या कितना वेस्ट हो रहा है. इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए किया गया है. सो बीन इशू टू ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स टू सेट अप अ डेडिकेटेड टीम ऑफ नर्स. एक डेडिकेटेड टीम बनाया जाएगा नर्स का, वही लोग, वो सिर्फ यही काम करेंगी ऑक्सीजन के बारे में सारी चीजें. नाउ महाराष्ट्र के बारे में थोड़े स्टैटिस्टिक्स हैं. सीएम इज उद्धव ठाकरे एंड गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी. मूविंग ऑन टू आर न्यूज नंबर टू है हमारा, कम्युनिटी सर्विस सेंटर सेटअप इन टू ब्रिंग ऑल डेटा ऑन बोर्ड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर स्पेस मिशन. इंडिया का जो हमारा पहला जो सोलर स्पेस मिशन है, इसके लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाई जानी है. इस सर्विस सेंटर का नाम होगा आदित्य L1 सपोर्ट सेल. सो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज. ये क्या करने वाले हैं, अलाउ एवरी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल टू परफॉर्म साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द डेटा. जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, उन सभी को साइंटिफिक एनालिसिस के लिए परमिशन दी जाएगी, यहाँ पर वो कर सकते हैं. सो एक डेवलप, ये लोग एक डेवलप स्पेसिफिक एक टूल जैसा ये तैयार करने वाले हैं, जिससे आगे के जो आने वाले जितने भी ऑब्जर्वर्स होंगे उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा. इट विल ऑल्सो असिस्ट इसरो विद द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग साइंटिफिक डेटा के मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए. इसरो के हेड के शिवान, इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, हम लोग जानते हैं. एंड इसरो स्टेब्लिश हुआ था 15 August 1969 को. मूविंग ऑन टू आर न्यूज नंबर 3, विप्रो जो कि हमारे ये आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसने अनाउंस किया है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2040 तक, जीरो ग्रीन हाउस इमिशन फ्रॉम विप्रो, ये इनका टारगेट रखा गया है. सो 2040 तक का इनका टारगेट है 0% और 2030 तक का इन्होंने टारगेट करके रखा है 55% तक कमी लेकर के आने वाले हैं. 55% रिडक्शन इन GHG इमिशन बाई 2030, ग्रीन हाउस गैस इमिशन. सो विप्रो के बारे में, इसके फाउंडर है मोहम्मद प्रेम जी, हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में, स्टेब्लिश हुआ था 29 December 1945 को. एंड इसके जो अभी प्रेजेंट जो सीईओ है उनका नाम है थेरी देला पोते, जो कि एक फ्रेंच है. नाउ न्यूज नंबर 4 आई है इंडियन बैंक से. इंडियन बैंक ने एक MOU साइन किया है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ में. क्या करने वाले हैं, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव रेट्स पर. बैंक को, इंडियन बैंक को ये कॉम्पिटिटिव रेट, चीप रेट पे प्रोवाइड करने वाले हैं टेलीकॉम सर्विसेज. सो ये जो साइन हुआ था डील, ये साइन हुआ था चीफ डायरेक्टर थे इंडियन बैंक के उनके बीच में एंड जनरल मैनेजर BSNL के उनके बीच. अभी क्वेश्चन आता है कि हु इज द चीफ डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक एंड हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ BSNL. सो इंडियन बैंक के बारे में देख लीजिए, इंडियन बैंक के जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है इमरान अमीन सिद्दीकी एंड BSNL के जनरल मैनेजर का नाम है अधीर सिंघल. सो इंडियन बैंक ऑलरेडी BSNL को एंड MTNL को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन के थ्रू ऑलरेडी इनसे कनेक्टेड है, ऑलरेडी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इनको. एट प्रेजेंट BSNL एंड इट्स सब्सिडरी MTNL जो कि BSNL का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, आर कनेक्टिंग मोर देन 5,000 ब्रांचेज एंड ATMs ऑफ इंडियन बैंक. सो अभी BSNL और MTNL मिलकर के 5,000 से ज्यादा ब्रांचेज और ATM इंडियन बैंक के कनेक्ट किए हुए हैं, इंक्लूडिंग द अलाहाबाद बैंक जो कि अभी इंडियन बैंक के साथ मर्ज हो गया था, इसको भी इसने कवर किया है. BSNL एक ऐसा एक लौता टेलीकॉम सर्विसेज है जो कि ब्रांचेज और ATMs को कनेक्ट करता है रूरल और रिमोट लोकेशंस. इंडिया के गांव गांव तक पहुंचा है BSNL, जिसने ब्रांचेज और ATMs को भी कवर करके रखा है. सो इंडियन बैंक के सीईओ हैं पद्मजा चुंद्रू, आप जानते हैं. हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई और इसको फाउंडेड इन 15 August 1907. BSNL का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे फाउंड किया गया था 1 October 2000 को. नेक्स्ट न्यूज आई है हमारी इंटरनेशनल लेबर डे. हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेबर डे हम लोग हर साल 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं.
किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेशन ऑफ लेबर्स एंड द वर्किंग क्लासेस. जितने भी लेबर्स, जितने भी वर्किंग क्लासेस हैं, उन सभी के लिए ये डे डेडिकेटेड है, जिसे प्रमोट किया था इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट, एनार्किस्ट, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ने. द डे मार्क्स द विक्ट्री ऑफ वर्कर्स मूवमेंट फॉर 8 आवर्स ऑफ वर्क. इट ऑल्सो एम टू पे ट्रिब्यूट टू वर्कर्स सेक्रीफाइस इन अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमें अपने इकोनॉमिक राइट या फिर सोशल जितने भी राइट हैं, जितने भी वर्कर्स जो कि सेक्रीफाइस करते हैं इसके तरफ, इसमें अपना जो योगदान देते हैं, उन सभी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ये दिन डेडिकेट किया गया है. नाउ नेक्स्ट न्यूज नंबर 6 आपके स्क्रीन पर. पद्मश्री अवार्डी एंड नोटेड हिंदी लिटरेचर, जिनका नाम था मंजूर एहतिशाम, इनकी COVID-19 से डेथ हो गई है. ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, भोपाल के रहने वाले थे, और इनकी जो पहली स्टोरी जो इन्होंने लिखी थी उसका नाम था रमजान की मौत. और अगर आप देखो इसको तो अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है और इसी में इनकी डेथ भी हुई है. सो इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए थे? इन्हें पद्मश्री दिया गया था, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार दिया गया था, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, वीर सिंह देव अवार्ड, वागेश्वरी अवार्ड, शिखर सम्मान एंड पहल सम्मान, काफी सारे अवार्ड्स इनके नाम पर. नेक्स्ट न्यूज आई है हमारे, अर्जुन कल्याण, जिन्होंने ग्रैंड मास्टर जीत लिया है जीएम रॉबिन राउंड रॉबिन रूजना जोरा 3 2021 चेस टूर्नामेंट, जो कि सर्बिया में हो रहा था. ये सिर्फ 18 साल के हैं और बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, जो कि चेन्नई के एसआरएम कॉलेज में पढ़ते हैं. इनके जो कोच हैं उनका नाम है IM सरावनन एंड यूक्रेन के हैं ये अलेक्सेंडर गोलोसचैपोव. नेक्स्ट न्यूज, न्यूज नंबर 8, चाइना स्पेस मिशन. जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी सारे मिशन चलते रहते हैं स्पेस के लिए, तो स्पेस में कचरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे पृथ्वी के लिए. तो कचरों को कैसे कम किया जाएगा स्पेस में से, उसके लिए काफ़ी सारी एजेंसीज काम कर रही है. इसी एजेंसी है जो एक चाइना की जो स्पेस माइनिंग में एक स्टार्टअप कंपनी है, इसने स्टार्ट किया है लो अर्थ ऑर्बिट अ रोबोट प्रोटोटाइप दैट कैन स्कूप अप डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड. जो भी स्पेस क्राफ्ट जाते हैं स्पेस में, उसके बाद जो भी कुछ छूट जाता है, जो भी जो फालतू चीज़ जो रह जाती है, सैटेलाइट्स के कुछ पार्ट जो कि हमारे स्पेस में घूमते रहते हैं, उनको एक बड़े से जाल से उनको सभी को पकड़ करके और धरती पर लेकर के आने का टारगेट है. और जैसे ही वो धरती के नजदीक आते रहेंगे ना, वो उसमें से आधे से ज्यादा तो खुद ही जल करके वो खत्म हो जाएंगे. तो द न्यू वन विच विल ऑल्सो पियर इन टू डीप स्पेस टू ऑब्जर्व स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज वॉज लॉन्च ऑन द गवर्नमेंट्स लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट. सो रॉकेट का नाम भी आप याद रखेंगे. 30 kg रॉबर्ट डेवलप बाई शिंजन बेस्ड ऑरिजन स्पेस विल पेव फ्यूचर टेक्नोलॉजीज. तो इससे क्या होगा, आगे के टेक्नोलॉजीज जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आगे का क्या टेक्नोलॉजीज आने वाला है ये पता नहीं चलेगा. सो अगर एक स्टार्ट होगा तो आगे बहुत सारे रास्ते भी खुलेंगे. तो इसी के लिए बताया गया है 30 kg का ये एक रोबोट होने वाला है. सो स्पेस जंक, जैसा मैंने बताया, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, एक उभरता हुआ इशू है हमारे सामने में. थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स हर साल भेजे जाते हैं अलग अलग कंट्रीज से स्पेस में रिसर्च के लिए. एज अ सैटेलाइट आउटलिव देयर यूज, मेनी ऑफ देम एंड अप जंक विच इवेंचुअली पोजेस डेंजर टू अदर ऑपरेटिंग सैटेलाइट. जितने भी सैटेलाइट्स ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट भेजे जाते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए, काफी सारे सेक्टर के लिए. तो जो भी जंक्स वहां बच जाते हैं वो एक खतरा हो सकता है उन सभी सैटेलाइट्स को, उन सैटेलाइट्स को हार्म कर सकते हैं ये सारे कचरे डेब्रिस. सो इसी के लिए इस पे ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है. नेक्स्ट न्यूज नंबर 9 आई है, ओलंपिक जो विनर थे हमारे अमित पनगल 52 kg कैटेगरी में, जिन्होंने अभी उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है. कहाँ पर? गवर्नर्स कप, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा था. आफ्टर गोइंग डाउन टू वर्ल्ड चैंपियन एंड फेमिलियर फो शाखोबिजिन ज़ोइरोव इन द सेमीफाइनल. सो इन्हें ब्रॉन्ज से ही संतुष्टि करनी पड़ी. नेक्स्ट न्यूज नंबर 10 आई है ICICI बैंक से. ICICI बैंक ने अनाउंस किया है डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर रिटेल मर्चेंट्स. जितने भी ICICI बैंक के रिटेल मर्चेंट्स हैं उनके लिए कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए, और इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मर्चेंट स्टिक. 2 करोड़ से ज्यादा रिटेल मर्चेंट्स हैं, उन सभी को टारगेट किया जा रहा है इसमें. ICICI जो ग्रोसरीज होते हैं, सुपरमार्केट्स, लार्ज रिटेल जो चेन होते हैं, स्टोर चेन, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, सभी को यहाँ पर ICICI हेल्प करने वाला है टू बिकम डिजिटल, टू यूज कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग. ICICI के बारे में थोड़ा जान लीजिए. हेड है संदीप गोयल, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, एंड ये फाउंडेड हुआ था 1994 जून, और उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो था वडोदरा में. नेक्स्ट न्यूज है हमारी HDFC से. HDFC वापस से टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बन गई है, उभर कर सामने आई है HDFC. सो इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अरेंज करने पे इनका फर्स्ट नंबर पे नाम आता है. एक्सिस बैंक आते हैं सेकंड पे और ICICI आती है थर्ड पे. हेडक्वार्टर कहाँ है HDFC का? मुंबई में है. MD और CEO HDFC के शशिधर जगदीशन, जिन्होंने आदित्यपुरी की जगह ली थी, एंड टैगलाइन है HDFC का वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. मूविंग ऑन, न्यूज नंबर 12, हमें नए फाइनेंस सेक्रेटरी मिले हैं जिनका नाम है TV सोमनाथन. ये किसके जगह पे आए हैं? इन्होंने अजय भूषण पांडे को रिप्लेस किया है. तो सोमनाथन 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं फ्रॉम तमिलनाडु कैडर.
नेक्स्ट न्यूज नंबर 13, नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, लॉन्च किया था एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम दिया गया था डिफेंडर यूरोप 21 डोनेट कर रहा है 2021 को, अल्बानिया में हुआ था, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था, यूएस से भी थी एंड अदर बाकी आपके कंट्री से भी थी। डिफेंडर यूरोप इज एन एनुअल लार्ज स्केल यूएस आर्मी लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, ये हर साल होता है, हर साल यूएस आर्मी जो है इस एक्सरसाइज को लीड करती है। काफी ज्यादा डिफेंसिव होते हैं ये लोग नेचर के एंड अग्रेशन, काफी ज्यादा अग्रेशन के साथ ये एक्सरसाइज पूरी करते हैं अपने। 28,000 यूएस अलाइड एंड पार्टनर फोर्सेज फ्रॉम 26 नेशन विल कंडक्ट नियरली साइमल्टेनियसली ऑपरेशन अबाउट मोर देन 30 ट्रेनिंग एरियाज। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आर न्यूज नंबर 14, नेक्स्ट न्यूज हमारी आई है आरबीआई। आरबीआई ने एनजीएफसी को ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को, बट उसके पहले ये जान लीजिए कि एनजीएफएस क्या है। एनजीएफएस है आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो हमारा जो पेरिस वन प्लैनेट समिट हुआ था, वहां पर ये बताया गया था कि हम लोग कैसे ग्रीन बैंकिंग को लाइक प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो लॉन्च हुआ था ये पेरिस वन प्लैनेट समिट, जो कि 2017 दिसंबर को हुआ था, एंड आरबीआई बिकम अ मेंबर ऑफ इट इन अप्रैल 23rd, और आरबीआई अभी इसका मेंबर बना है, 23 अप्रैल को आरबीआई ने इसको ज्वाइन किया है। एनजीएफएस दैट इज नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ये सेंट्रल बैंक्स एंड उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी एक पूरी ग्रुप बनी हुई है, जहां पर ये लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, कैसे हम एनवायरमेंट को और डेवलप कर सकते हैं, क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हमारे क्लाइमेट पे बहुत ही कम निगेटिव इंपैक्ट पड़े, फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा की जाती है। सेंट्रल बैंक विल ऑर्गेनाइज अ फाइनेंस टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टुवर्ड अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। आरबीआई एज अ मेंबर विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट ऑन ग्रीन फाइनेंस। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई है बजाज ऑटो से। बजाज ऑटो ने अपने नया चेयरमैन अपॉइंट कर लिया है, किसे, नीरज बजाज को। 1 मई से इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड इसने राहुल बजाज को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बनाया है कंपनी का, तो दोनों के अपॉइंटमेंट को आप याद रखेंगे। सो आज के लिए इतना ही न्यूज था हमारे पास में, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो एक बार जाते जाते लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो